गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है मेरा बर्थडे। हसनैन, यहाँ देखो आ गया है मेरे लिए नाश्ता। और मेरे गली में बिकने के लिए आया था, मैंने ले लिए नाश्ता। मेरे गली में आया था इडली मेहंदी वड़ा बिकने के लिए, और इडली मेहंदी वड़े का साइज देख के आपने मेरे दांत में फंस के चला जाए। पता है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि वो छोटा वाला हो जो चीज पॉपकॉर्न जैसी नली होती है ना, वैसा साइज दिख रहा है। ये है 10 रुपए का 3, और इडली का साइज दिखाती है। ये देखो छोटी सी इडली, पतली सी है ये इडली। मतलब हमारे गली में ना एक भाई आते बेचने के लिए, छोटा सा डोनेट आप खाओ। तो मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है चीजें, छोटी छोटी सी चीजें। अब 10 रुपए का आदमी बेचेगा तो भाई कितना ही साइज रखेगा, मत करो। तो ये रहा मेरा छोटा सा डोनेट, मतलब मेहंदी वड़ा। तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। अब भाई आवाज दे रहे थे इटले, तो बोली भाई लाओ थोड़ा सा खाते। बहुत दिनों के बाद मैंने ली इसको, तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। यार मैं तो बात बात में सलाम करने ही भूल गई। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद कर जब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज है मेरा बर्थडे, और मेरा बर्थडे है। और देखो मेरे फेस पे सब गिफ्ट आई है। देखो ये सब बाहर की गिफ्ट है, यहाँ की नहीं है। इधर 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 इधर, कल तक का नहीं था, रात से ये पूरे हो गए। गिफ्ट मिला है मेरे को, तो मैं पहले खा लेती हूँ। और नाश्ता मैंने सुबह में चाय बटर खाई, मेरा ज्यादा मन नहीं था तो मैंने बहुत कम खाई, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चलो इडली ले लेते हैं। बहुत काफी देर से आवाज आ रही थी इडली इडली इडली, तो मैं चलो ले ही लेते हैं। तो मैंने ले ली, बैठो बेटा। हाँ अच्छा बैठो, और चलो खाते हैं इडली फटाफट, फिर हम मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे हम तो नाश्ते का एंजॉय कर रहे हैं, और जैसे कि आज मेरा बर्थडे है तो आज मेरे बेटे का फेस रिवील भी होने वाला है। आज मेरा बेटा प्रॉपरली दिखेगा। और मैं अभी मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं किए हैं, क्या करने वाले हैं क्या नहीं, देखते हैं शाम में। बस मेरा तो भाई पहले का ही प्लान है, मैं तो तैयार होंगी। और जैसे कि मैं हमेशा तैयार होती हूँ, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। बस कुछ बहाना चाहिए तैयार होने का मुझे, तो बहाना है मेरे पास कि मेरा बर्थडे है, तो मैं तैयार रहूंगी और मैं व्लॉगिंग करूंगी मस्त मस्त, और मेरे बेटे को भी दिखाऊंगी। मेरा बेटा भी आज न्यू ड्रेस पहनेगा, मैं भी पहनूंगी, और आज मेरे बच्चे का होगा फेस रिवील। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मेरे बच्चे का आज मैं प्रॉपरली फेस रिवील करूंगी। धोखे में तो हुआ एक से दो बार, बट जिसने नहीं देखा है वो भी देख लेगा, और जिसने देखा है वो वापस से देख लेगा, क्योंकि बच्चों में तो बहुत सारी चेंजिंग आती रहती है ना। अभी हुनन कैसा दिखता है कैसा नहीं, वो मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। पैर से लेके हाथ से लेके नाखून से लेके आंख नाक मुंह सारा देखने मिलेगा। और आप लोग एंजॉय करना मेरे व्लॉग को, और बहुत सारा आपका प्यार देना। और मैं पहले बता दे रही हूँ गाइस, जो जो मेरे बच्चे का चेहरा देखेगा स्कैनर डालूंगी मैं, स्कैनर। मुंह दिखाई भेजना पड़ेगा भैया, मेरे खूबसूरत बच्चे का मुंह दिखाई तो भेजना पड़ेगा ना, है ना हुनु? आप बता दो मेरा खूबसूरत बच्चा है कि नहीं, तुम बता दो, थोड़ा चिल्ला के बता दो, मेरा खूबसूरत बच्चा है ना तू, मेरा खूबसूरत बेटा है ना तू। हाँ देखिए ऐसी बेइज्जती करती है ये बच्चा, ऐसी अभी कब से ना माशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें करता है, उससे बात करते रहेंगे ना, और घंटा घंटा भर एक घंटा उसको लेके बैठे रहेंगे ना, बस बात कर देगा आई करता रहेगा कौन है। तो गाइस है गाइस, सुबह से लेके अब हो गई सीधा हमारी शाम में एंट्री, और मैं कर रही हूँ अपनी मेकअप वेकअप तैयारी। देखो मेरी तैयारी यहाँ चालू है, और यहाँ मेरा बेटा भी तैयार हो रहा है। अभी तैयार नहीं हुई हूँ, अभी सिर्फ ड्रेस और चूड़ी पहनी हूँ, और अभी तैयार होंगे। अभी ऐसे देख लो, अभी तैयार होने के बाद देखना। और यहाँ देखो उमेर भाभी हसनैन के अब्बा सब फुगारे फुग्गा मेरे बड्डो में बड्डे को जोरों शोरों से बना रहे हैं मेरा बड्डे। अल्लाह इनको मत बिठाओ,
और सिंह तुम फोड़ो मत आए थे, मुश्किल से तुम्हें लाई, मुश्किल से लाई, कलर नहीं मिल रहा था भाभी। उसका से तो उमेर फुगा रहा है देखो बराबर। हाँ तो रन दो, उसे वो फुगाने वाला ही सही था ना भाभी। आ गए मेरे अब्बा, कैसे है गाइस? मस्त अब्बा, मस्त नया ड्रेस व्रेस पहन के मस्त फ्रेश होके आए अब्बा, खतरनाक दिख रहे हैं। मतलब साफ सुथरा है ना, तो नया ही हुआ ना अब्बा। गाइस हमारा फुग्गा फुला के हो गया है और यहाँ भाभी लगा रहे फुग्गा, और यहाँ पे सबाना तैयार हो रही है। सबाना ओहो, आज होने वाला है जिसका इंतजार था वो चीज होने वाली है, आज होने वाली है फेस रिवील, मेरे बोते का फेस रिवील होने वाला है आज, है ना? आज मेरे बेटे का फेस रिवील होने वाला है का। तो गाइस जिसने जिसने मेरे बेटे का चेहरा देखेगा तो मुंह दिखाई तो जरूर देना सब लोग, है ना? अरे खूबसूरत बेटे का चेहरा दिखाऊंगा, मुंह दिखाई भी नहीं दूंगा, कैसे चलेगा? बोलते का, हाँ मेरे बोलते का मुंह दिखाई दूंगा, दूंगा मुंह दिखाई का, है ना आतिफ? ये आतिफ क्या बोलते है आतिफ भाई? आतिफ भाई और इस लोगों देखो बच्चे लोग करे पूरा छप्पल छप्पल कर दिया ये पटेले ने। तो गाइस अभी सब तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे तैयारी चालू है, तो जैसे जैसे होते रहेंगे वैसे वैसे बताते रहेंगे। गाइस यहाँ पे डेकोरेट चालू है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा मोटा सा हमारा डेकोरेट, और यहाँ पे शबाना ने की है एकदम जबरदस्त। मैं कैसे लग रही हूँ? अरे तू तो मेरी है हीरोइन, अरे मेरी हीरोइन है, और यहाँ पे मेरा पापा भी रेडी हो रहा है, तैयार करने जा रही हूँ मैं, पापा रेडी हो रहा है अभी। ये हुनैन का है ड्रेस, जो मेरा ड्रेस से थोड़ा बहुत मैच होगा, कलर ब्लैक है, चलेगा कोई नहीं। और हम जा रहा हूँ अभी एक छोटा सा केक लेने के लिए, तो अभी केक लेके आता हूँ और उसके बाद में फिर केक कटिंग करेंगे। एक बार आता है मेरी औरत का बर्थडे, वो भी बेकार टाइम पे, वो भी बेकार टाइम पे आता है, फिर भी कैसा ना तो कैसे मन जाता है, एक आधा केक काट ही देते भाई के नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ, एक केक तो काट ही सकता हूँ। चले यार कोई बात नहीं, हो जाए, एकदम भारी बारिश में आता है, अभी तो बारिश नहीं है, अगले साल की। चलो कितनी बारिश हो रही है, तो चलिए ठीक है, मैं जाता हूँ फटाफट लेके आता हूँ। हाँ केक लेने के लिए कौन सा वाला चॉइस करूँ वही सोच रहा हूँ, ये वाला तो ये वाले केक पे हम नाम लिखा रहे हैं हुनैन फेस रिवील, और एक केक तो भाई ने पूरा फास्ट बैक कर दिया, तो भी दिखा रहे फेस रिवील लाल। दो केक बनवाया हुई सबाना का, एक हुनैन का, हाँ ये हुआ हुनैन फेस रिवील, है ना भाई? बराबर ना? चलो भाई दो केक हो गया अपना। तो गाइस मैं आ चुका हूँ केक लेके, बहुत थक के आ गया यार, बहुत थक गया। देखो यहाँ रखा हुआ है केक, अरे हैप्पी बर्थडे का टैग भी ले लिया, क्योंकि वो रूम में था मेरे पास लेकिन पता नहीं कहाँ घूम गया, तो मैं पता नहीं अभी वो रूम खाली किया ना वहाँ से, तो कहाँ रख दिया दिमाग नहीं आया। और सवाल मतलब देखो एकदम जहर दिख रही है, एकदम जहर। होने के बाद में खाना बना रही है, क्या बना रही है? अच्छा झींगे का सालन बनाया, तो एक काम करना इसको रख देना, थोड़ा फ्रिज में रख देना सवाना, तब तक आ रही है पटेले। हाँ लगा तो यहाँ पे देखो चालू मस्ती, हाँ देखो यहाँ चालू मस्ती, और अभी छोटू का इंतजार हो रहा है, छोटू आएगा, छोटू गया था साथ में ना, तो अभी सौजिया को और बच्चे लोग को लेके आएगा, काटेगा यहाँ पे, यहाँ देखो एक उसको बुड्डू भाई, बुड्डू भाई, ओ बुड्डू भाई क्या करे, बुड्डू भाई मचा रहा है गांव में, ये लेटा है अभी भाई के साथ, तो फटाफट जाते भाई बाइक पे लेके आते, घोटा इतना दूर मानी पैदल चलना पड़ा हम लोग को। हाँ भाई कैसा दिख रहा है तेरा चेहरा, दिख रहा है तेरे भाई को, दिख नहीं रहा चद्दर के अंदर है क्या? अच्छा चल जा सो जा, सो जा, सो जा, 5 बजे उठा था वहाँ पे ना।
सो जा फेस रिवील, आज फेस रिवील कर रहा है नहीं, अभी आएगा पता नहीं कब। अब पता नहीं कब आएगा भाई, 2-3 दिन तो बोला है आएगा, टिकट ही मेरे विचार में टिकट मिल जाएगा। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है और यहाँ पे देखो भैया सब आ चुके हैं। अभी तो भाई बहुत लोग तो सब लंबा लंबा चले गए, कोई आ नहीं पाएगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं केक काटने के लिए। पहला कटेगा शबाना, पहला शबाना का केक कटेगा और ये रहा हमारा शबाना का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जोनू, तो कैसी हो, हैप्पी बर्थडे, क्या कर रही, क्या कर रहा था, बहुत कुछ लगा था, थैंक यू। अच्छा देख रहे समझ रहे हो, इशारा दे दी सवाना तो। और क्या बोलते साल में, खैरियत खैरियत ना, अलहमदुल्ला तो हमेशा रहती सबके साथ में, ज्यादा करके अपर के साथ में रहती दुआ। और टगले पे बोले तेल आ गए, टगले पे तेल चले गए, समझा रहे केक काटने के लिए। हाँ खेलो तो गाइस यहाँ पे हमारा बिहार दो हुनर पापा का कौन सा निवाद है इसमें से, ए बच्चे लोग है ना, ये बच्चे लोग निकल गया सबाना का केक। तो एक केक है फेस रिवील वाला, हुनेन फेस रिवील है ना, सबको लगाओ दोनों चॉकलेट लाया। ए बच्चे लोग दूर बैठो, चॉकलेट केक है बस, यहाँ से रहेगा। रुको ना अभी चॉकलेट, क्या रे फेस रिवील का ही खाएगा क्या, पहला देखना। तो शबाना का अभी केक कटने वाला है और पापा का फेस रिवील होने वाला है। अब्बा जला दिए कैंडल सारा है के नहीं, अब्बा शुक्रिया, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, काटो काटो, चलो फूको दोनों फूक। हैप्पी बर्थडे शबाना, हैप्पी बर्थडे शबाना, हैप्पी बर्थडे शबाना, हैप्पी बर्थडे शबाना, थैंक यू। ये वाला काट लू पहले, फूक दे पहला, ए फूकने से पहले ही भूल गया। ये कट रहा है ये उन्हें का फेस, और सब मेरे बेटे का फेस देखेंगे तो मेरे बेटे का फेस। हाँ ठीक है चलो चलो, तुम तो नहीं खाएंगे बेटा, ये तेरा ये मेरा, चलो। हाँ वापिस के पास था ना, वसीम के पास था, उसका लग रहा उसका है। ये तो पहला ऐसा बच्चा है बोले मेरे अलावा मेरे आगे किसी के पास जाने नहीं दूंगा, है ना बेटा, किसी के पास जाने नहीं दूंगा, मेरे तक आएगा तो। अब्बा तुम मिस हो गए थे मेरे, अब्बा बोले और 2-3 बार मत ले वीडियो में, तो हम 2-3 बार और खा लेंगे, क्या बोलते अब्बा। केक कट रहा है यहाँ पे, थैंक यू। और यहाँ पे अभी सब बुर्का उर्का ढके ना, हाँ तो भाई सब केक वेक खा लिए एकदम मजे में। और क्या बोलते हो गाइस, मसाला छोटा सा मोटा सा जैसा भी था हमारा छोटा मोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है। और यहाँ पे केक कट चुका है और सब में बढ़ चुका है, और यहाँ पे मेरा बेटा भी सच चुका है। तो गाइस यहाँ पे फेस रिवील तो मैंने कर दिया हूँ, ये देखो मेरा कुत्ते बेटा, कुत्ते बेटा, बोटा, ये बोटा देखो, मेरे बोते को देखो बराबर गौर से, मेरा बोटा ये उन्ने पापा, उन्नो पापा, यहाँ पे शबाना जी है, मेरे पापा देखो मेरा बेटा, अच्छा दिख रहा है, आते चलो उसको देखो क्या कर रहा है, पटले मारूंगा लापा, एक जरा रुक जरा,
काम में बेटा कैसे लग रहे जरूर बताना जरूर बता देख सवाना। वाह 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 सो हे गाइस मैं आ गई, मेरी औरत का बर्थडे अच्छे से हो गया माशा। बहुत बहुत थैंक यू असलम के अब्बा, अल्लाह आपको अच्छा रखे। कैसा बहुत मेहनत करते हैं असलम के अब्बा मेरे बर्थडे वाले दिन, और ऐसे टाइम पे मेरा बर्थडे आता है जब बरसात होती है और काम वाम का जो भी रहता है, फिर भी मत बताने बाबा क्या नहीं बताऊँ, जो है वो बताऊंगी ना मैं। तो हमेशा ये होता है कि बरसात पर मतलब बरसात अभी स्टार्ट हुई नहीं है, दो तीन बार हुई है असलम के अब्बा मेरे बर्थडे दिन फटे मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छा केक लाते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, काम करते हैं, है ना असलम के अब्बा। साल में एक बार तो आता है तो उसमें भी नहीं 500-600 रुपए मेरी औरत के पीछे खर्चा करूँगा तो क्या करूँ। ये बटले चलो अच्छा है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। और तो क्या बोलते हैं तो गाइस माशाल्लाह बर्थडे अच्छे से हो गया, सब कुछ खा सब लोग ने खाए पिए एंजॉय किए। मेरा बेटा कैसा दिख रहा है जरूर बताना, किसके जैसा है बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है ना। मेरा उन्हें पापा कैसा दिख रहा है जरूर बताना कमेंट में, और मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार देना आपका, बहुत सारी दुआएं देना। ये तो मैं हक से मांग रहा हूँ, अभी तक तो नहीं मांगा तो हक से मांग रहा हूँ कि भाई मेरी बेटी की मुझे दिखाई चाहिए तो ब्लर कर नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो मस्ती कर रहे और मतलब मस्त अच्छे से हुआ, फेस रिवील हुआ, फेस रिवील का भी केक छोटा सा कट किए और मजा आया, मतलब फैमिली में सब व्लॉगिंग भी किए मजा आ गया खतरनाक। अभी कैप पहने तो थोड़ा स्मार्ट दिख रहे संगे बात, हाँ वो टकला दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था। अब पता है तुम टकले जरूरी है ना, हमेशा बता रहे टकला टकला टकला। तो गाइस चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया, और फेस रिवील भी हो गया, बर्थडे भी हो गया। अब मेरे बच्चों को बहुत सारा प्यार देना, दुआएं देना, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मुझे विशेष देना, मेरी लंबी उम्र की दुआएं करना। हाँ, और मेरे बच्चों की नसीब अच्छी रखे अल्लाह, सब अच्छी प्यारी प्यारी दुआएं देना। और एक बात गाइस, जो मैंने कल जो अभी जो वीडियो अपलोड हो गया है कल ना, ठीक है अभी ये वीडियो परसों आएगा तो कल ही बताऊंगी ना, कल ही आएगा ठीक है। अभी मैंने जो एक वीडियो अपलोड करी हूँ उसमें बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि शबाना भीख मांग रही है, शबाना ये, शबाना वो, शबाना ऐसा, शबाना वैसा, ठीक है गाइस। मैं हमेशा से कमेंट का जवाब नहीं देना चाहती हूँ पहले से, और नहीं 100% तो नहीं देती हूँ, ठीक है जहाँ तक का, पर बर्दाश्त करने की भी गाइस हद होती है ना, हर बार एक बार हर बार अच्छा बोल के भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। हम सीधी बात एक बार तो मैं बता दे रहा हूँ, हम दोनों को पूरे घर वाले से कंपेयर मत करना कि आप उसके जैसा करो, आप इसके जैसा करो, कि आप उससे सीखो, उससे सीखो, हमको जैसा ठीक लगता है हम अपने हिसाब से रहते हैं, वो अपने हिसाब से रहते हैं, वो अपने हिसाब से रहते, ठीक है। हम अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा अपने हिसाब से पालते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, और हम कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है और हमारा अल्लाह जानता है। देखने वालों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जो करता है, जो रहता है ना, जो भाड़े की जिंदगी निकालता है ना, उन्हीं को पता चलता है कि कैसे मैनेज करते हैं। एक हफ्ता ब्लॉग नहीं आया तो कोई ये नहीं बोला कि क्यों नहीं आया, तुम्हारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा क्या बताते परेशानी, अरे तुम तो मांग रहे भीख मांग रहे, अरे यार कोई आदे है, और अच्छा ही बताने के चक्कर में ना, अच्छा दिखाओ, अच्छा बनाओ, अच्छा करो, अच्छा अच्छा के चक्कर में ना ये होता है कि हमारा व्लॉग ही नहीं आता है, हम अपनी दिल की बातें, अपनी परेशानी, अपना कुछ भी दुख दर्द ना शेयर नहीं कर पाते, और जब भी शेयर करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, तो टैग आ जाता है भीख मांगने का, भीख मांग रही है, भीख मांग रही है। तो भाई मत बोलो ऐसा, मैंने कहीं भीख नहीं मांगी व्लॉग में, मैंने बस इतना बोली कि 13 तारीख से स्कूल चालू हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगी क्योंकि मुझे 20 साल का भाड़ा भी लेना है, कैसे मैनेज करूंगी क्योंकि मुझे ये चीज नहीं पता थी कि बच्चों छोटे बच्चों की स्कूल 20 से होगी, ठीक है। अभी यही महीने इतना सब खर्चा आ गया है तो मैनेज कैसे करूंगी, सर से आके बात करनी पड़ेगी कि आधा पैसा अभी दूंगी, आधा पैसा मैं 2-4 दिन में मैनेज करके दे दूंगी। मैं मैनेज करने की बात करी ना कि मैंने किसी से मांगी, ना मैंने किसी को कुछ बोला, अपने ही ब्लॉग में ऐसे सब बोलते हैं, बाकी कोई दूसरा बनाएगा ना तो उसके ब्लॉग में कभी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सब अपने अपने तरीके से भीख मांगते हैं तब नहीं बोलेंगे,
हम सिर्फ बताए पर हम एक का ब्लॉग नहीं देखते, हम बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर है जिनका देखते हैं, अपने अपने तरीके से ब्लॉग भीख मांगते पर कोई इनको जाके कमेंट नहीं करता है। सब सब उनको डिमोट करेंगे, अच्छा बोलेंगे, सब बोलेंगे बस। तो इंशाल्लाह दुआ बस ये बोले कि अब मेरे पास में 20 तारीख तक का टाइम है तो इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा, दुआ करना, बस इतना ही बोली थी। इतने बोले वहाँ पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इतना लोग मतलब कितना उसमें कमेंट आ रहा है, मुझे आधा तेरा कमेंट कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। हाँ बताओ, दूसरे दूसरे से पूछना पड़ रहा है, बताओ। तो गैस जो भाड़े पे रहता है ना गैस, मैं सीधी बात, प्लीज सॉरी, जिसको बुरा लगेगा उसके लिए सॉरी, ठीक है। और जो जो मेरे को आड़ा ताड़ा लिखा ये उसी के लिए है, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी हद होती है, मैं नहीं देती हूँ कमर का जवाब, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग देखते नहीं है, हम भी देखते हैं ना, कुछ देंगे ना लेंगे, ऐसा ना लेना ना देना, बस बोलते ना देख लेना, इतना आड़ा तेड़ा इतना आड़ा लिख देंगे, एक लिखता है चार उसमें और एडवांस आ जाते हैं सहा ही हूँ करने के लिए, तो बस ये सब मत बोलो, ठीक है। जो अपना घर जो भाड़े पे रहता है, जो अपना घर मैनेज करता है, जो अपना सब कुछ वो करता है ना, उसी को मालूम पड़ता है, बंगले में रहने वालों को नहीं मालूम पड़ता है, हर किसी के दिया। मैं क्या बोलती हूँ सुनो गैस, मेरी एक आदत है, मैं कैसी हूँ, मैं जो हूँ सामने हूँ, अच्छा खाऊंगी तो भी बताऊंगी, नहीं खाऊंगी तो भी बताऊंगी, अच्छा पहन तो भी बताऊंगी, सब कुछ दिखाती हूँ, तो कुछ भी रहता है मैं आपको बताती हूँ, अच्छा ही दिखाते हैं, अच्छा ही दिखाते हैं, भले से एक हफ्ता वीडियो नहीं आया, भले हमारा वीडियो नहीं बनेगा ना, चलेगा, चलेगा, पर हम नहीं बताते कि हमको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ चल रही, कौन बीमार है, कौन भूखा है, कौन नंगा है, वीडियो बनाते हैं किसी भी पैसे के पके, कितनी तबीयत खराब थी पर मैं नहीं बनाई, छोड़ दी वीडियो बनाना, बंद कर दी, नहीं बना रही वीडियो, क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी, क्या बीमारी, नहीं दिखा रही, उसमें ही बोलेंगे भीख मांगने आ गई, भीख मांग रही है, ऐसा बता रही है, वैसा बता रही है, नहीं बोलती हूँ। और उस टाइम पे मैं चलो बोल दी, बात करने का था, बता दी कि बच्चे की स्कूल चालू हो रही है, ऐसा है वैसा है, तो बोल दी बस। इंसान आपको जब वीडियो बना रहा है नहीं बोलेगा, क्या नहीं बताएगा, घर का नहीं बताएगा, डेली रूटीन नहीं बताएगा, तो क्या बताएगा, क्या बोलेगा, अगर से सब मत बोलो, और एक के चक्कर में ना चार और एडवांस में आ जाते हैं, मेन बात तो ये। और जो खुद के घर में रहते हैं ना, उनको ना भाड़े वालों की तकलीफ नहीं मालूम है, कि जो भाड़ा एक महीने में 5,000 कैसे भरने का, राशन कैसा भराने का, बाटला कैसा लेने का, बच्चों का दुख दर्द शौक पानी दवा गोली कैसा मैनेज करने का, तो उसे हमको ही मालूम है, क्योंकि हमारा एक कमाने वाला है ना, तो हमको ही समझ में आता है, ठीक है। मैं तो कमाने के जा रही नहीं हूँ, एक ही कमाने वाला है, एक ही से मैनेज करना है सब कुछ थोड़ा मोड़ा, तो और सबके एक ही कमाने वाले रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोला कि हमारे भी एक ही कमाने वाले हैं, हमारे भी 10 कमाने वाले हैं, सबकी अलग अलग तकलीफ अलग अलग परेशानी है, कोई अपने से परेशान है, कोई घर से परेशान है, तो कोई बीमारी से परेशान है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा परेशानी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भीख मांग रहे हैं, ठीक है भाई। जो भी घर में होगा तकलीफ परेशानी दुख दर्द जो भी रहेगा, तो भाई मैं बताऊंगी, और अभी भी बताऊंगी और आगे भी बताती रहूंगी, फिर जिसको जो बोलना है बोलो, पर मैं मेरे को बार बार ये चीज जो बोलते ना भीख मांग रही, भीख मांग रही, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मुझे ये चीज से बहुत बुरा लगता है, मेरे को जब मुझे मांगना रहता है ना, मैं मुंह पे मांगूंगी, बोलूंगी गाइस मुझे आज ये तकलीफ है, आज मेरी हेल्प करो, आज मुझे ये करो, जब मुझे ऐसा लगेगा ना मैं खुद बोलूंगी, मैं आपको अपना, आप लोग को अपना मानती हूँ, अपना समझती हूँ, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, अपना समझते हो, तो मैं बोलती हूँ जो मुझे अपना मानता अपना समझता है ना, तो वो देता भी है और मेरी हेल्प भी करता है, तो बोल के बताता नहीं एक सब कि भीख मांग रही, भीख मांग रही, और खिलाने वाला देने वाला अल्लाह की जात है, आप लोग के बोलने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं भीख मांग रही हूँ कि नहीं मांग रही हूँ, ठीक है। सो हे गाइस, आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा जरूर बताना, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, घंटा बड़ा दबाने का मत भूलना, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल प्यार सपोर्ट दीजिए, और गाइस जिस किसको भी ऐसे मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, प्लीज डोंट माइंड, और जिसने बोला है मुझे ये उसके लिए था, तो फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना प्यार बहुत सारे देना, बहुत सारी दुआएं देना था, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हम ऐसे ही आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।